दोस्तों हरियाणा विधानसभा चुनाव जिसको लेकर के सबसे ज्यादा यानी कि घमासान हुआ, आप लोगों ने देखा होगा हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 40, कांग्रेस को 31 और इंडिपेंडेंट को अगर मैं बात करूं तो 9 सीटें और वहीं जेजेपी को 10 सीटें मिली। इसी के साथ साथ आप लोगों ने देखा जो सरकार बनाने का मामला था उसमें जेजेपी और बीजेपी ने मिलकर के सरकार बनाई, और उससे पहले आप लोगों को ये भी देखने को मिला कि बीजेपी जो है इंडिपेंडेंट को मिला करके जो वहाँ के गोपाल कांडा है उसका समर्थन के साथ सरकार बनाने वाली थी, लेकिन उसके बाद बीजेपी की काफ़ी ज़्यादा किरकिरी हुई, उसके बाद जेजेपी ने बीजेपी को समर्थन दे दिया और वहाँ पर सरकार बन गई। लेकिन उसके बाद जिस तरह से जेजेपी का विरोध हो रहा है दोस्तों हरियाणा में, वो काफी ज्यादा चौंका देने वाला है। दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि जेजेपी के साथ क्या कुछ हो रहा है हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ सरकार बनाने पर, वो आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको लगता है कि हरियाणा में जो भी सरकार बनाई गई है वो ठीक तरह से नहीं बनाई गई, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं, जेजेपी ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार में लोगों से वोट मांगे और लोगों ने जेजेपी पे भरोसा भी जताया और लोगों ने भी उसको जो है 10 सीटें भी जिताई। लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा चुनाव के बाद जेजेपी ने बीजेपी को समर्थन दिया है, इससे कहीं ना कहीं वहां के जो जेजेपी के समर्थक हैं जो चुनाव में उसकी सपोर्ट की थी उनके अंदर भारी यानी कि विरोध देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि जेजेपी को आने वाले चुनाव में अब बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेंगे और पूरी तरह से जेजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, एक तो समर्थन उसको जो समर्थक है जेजेपी का उसने उसके झंडे को ही फ्लैग को जो है जला दिया, वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोग इसका यानी कि विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। वहीं दुष्यंत चौटाला ने भी इसके ऊपर सफाई देते हुए कहा है कि हम जो भी हो जो सरकार हमने बनाई है वो हमारी नीतियों के हिसाब से बनी है और हमने बीजेपी के सामने बहुत सारी अपनी मांगे रखी हैं जो कि जनता के हित में है और हम जनता की यानी कि जनता से किए गए वादों को पूरा करके जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं उनका मुंह बंद करेंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ शायद आगे नहीं दिखाई देगा मेरे हिसाब से। दोस्तों आपके हिसाब से क्या कुछ लगता है आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।